हेलो तो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हो यार सब दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सिमुलेशन गेम्स के बारे में, जो कि आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पे खेल सकते हो। यानी ऐसी गेम जिनमें आप लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जैसे कि कार चलाना, बाइक चलाना, प्लेन उड़ाना, हंटिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि रियल लाइफ में होती हैं, लेकिन आप लोग उनको असल में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन ये सब कुछ आप गेम्स में कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि मेरे दूसरे चैनल यानी असैसिन ब्रो को अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आई बटन है उसको जल्दी से दबाओ, जल्दी से वहाँ पे जाओ, सब्सक्राइब करो और फिर आके ये वीडियो देखो। जल्दी करो, बस जल्दी से कर दो। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार क्योंकि गेम है सारी की सारी शानदार। इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अपने लिस्ट के नंबर फर्स्ट पर निकल के आता है हंटिंग क्लैश। दोस्तों, अब गेम के नाम से ही आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस गेम में क्या होने वाला है। यानी कि आप इसमें होने वाले हो एक हंटर जो कि निकला हुआ है एक हंटिंग पे। तो काफी ज्यादा एक अच्छा और मजे का गेम होने वाला है। यहाँ पे आप डिफरेंट एनिमल्स को मारोगे यानी हंट करोगे और अपना निशाना पक्का करोगे। यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और बहुत ज्यादा ध्यान लगाना होगा आपको इस गेम में, ताकि आप लोग सही और एक्यूरेट निशाना मार सको। और इस गेम की और एक मजे की बात यह है कि इसमें ड्यूअल मैचेस होते हैं, यानी कि आप लोग ऑनलाइन इस गेम को खेल सकते हो और अपना निशाना चेक कर सकते हो कि बाकी प्लेयर्स के हिसाब से आपका निशाना कितना अच्छा है। और ग्राफिक्स की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो भी चीज एक अच्छी आप लोगों को इस गेम में देखने को मिली जाएगी। गेम का साइज है 130 MB और गेम होने वाला टोटली ऑनलाइन। दोस्तों, अपनी लिस्ट के सेकंड नंबर पे निकल के आता है कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर 3। अब भाई साहब, आप लोगों को पूरा फील आने वाला है रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन करने का। इस गेम के ग्राफिक्स तो बहुत ज्यादा फाड़ है ही हैं, साथ ही आपको इस गेम में बहुत सारी व्हीकल्स चलाने को मिल जाएंगे, यानी कि हैवी मशीनरी जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में यूज की जाती है, जैसे कि ट्रैक्टर, रोड रोलर, क्रेन वगैरह और बाकी सारी चीजें जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल होती है, वो सब कुछ आप लोगों को इस गेम में देखने को मिलेगी। और इस गेम में एक अच्छी और मजे की चीज ये भी है कि आप लोगों को रियल लाइफ की तरह इस गेम में भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे जो कि आप लोगों ने टाइम पे करने होंगे, तो वो भी आपको काफी ज्यादा एक रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। यानी कि आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, साथ ही आप लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ अमाउंट मिली है और बाकी काम होने के बाद आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज जो इस गेम की मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये गेम पेड है, तो आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे यार इस गेम को डाउनलोड करने के लिए। अरे नहीं यार, आप लोग अपने भाई के चैनल यानी स्पाइडर जंप पे आए हो तो आप लोगों को क्यों पैसे देने पड़ेंगे यार। आप लोगों को ये गेम फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में निकल के आता है अपनी लिस्ट का नंबर 3 गेम, जो कि हमारे पास ड्राइविंग स्कूल सिमुलेटर। अब दोस्तों, ये भी एक काफी ज्यादा सही गेम होने वाला है, लेकिन इस गेम में आप लोगों को थोड़ी सी शायद स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोगों को इस गेम में बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने हैं। यानी कि आप लोग एक ड्राइविंग स्कूल की तरह इस गेम को समझो कि है कि आप लोगों ने हर रूल फॉलो करना है जो कि आप लोगों को रियल लाइफ में कार चलाते हुए फॉलो करना चाहिए और करना पड़ता है। यानी कि आप लोगों ने सिग्नल पे रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करना जब सिग्नल बंद हो, और बहुत सारे और भी रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं इस गेम में। इस गेम में 150 से भी ज्यादा कार्स और दूसरी व्हीकल्स हैं और 80 से भी ज्यादा चैलेंजेस हैं। यहाँ पे फ्री रोम करने के लिए एक बहुत अच्छा ओपन वर्ल्ड एरिया भी आप लोगों को मिल ही जाएगा, साथ ही साथ रेसिंग मोड भी है और आप लोग ऑनलाइन होके इस ऐप में मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो यार, तो वो भी एक अच्छी चीज है। यानी कि अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेलो और देखो कि किसके ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हैं, आपके या आपके दोस्तों के। और कार्स की साउंड की बात की जाए तो वो तो भाई साहब बहुत ही बूमबास्टिक साउंड है, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल रियल कार वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो फील आती है वो एकदम अच्छी और तगड़ी वाली है यार। तो गेम का साइज है 890 MB और गेम ऑफलाइन भी है और आप लोग ऑनलाइन भी इसको खेल ही सकते हो। तो दोस्तों, लिस्ट में हम नंबर 4 पे हमारे पास निकल के आता है फार्मिंग प्रो 3। अब जैसा कि इस गेम के नाम में ही है फार्मिंग प्रो, तो समझ तो गए ही होगे आप लोग, इतने समझदार तो हो यार, कि इस गेम में आप लोगों को क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही समझे आप लोग, यानी आपको इस गेम में फार्मिंग करनी है। आप लोगों को काफी ज्यादा हैवी व्हीकल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और बाकी जो हैवी मशीनरी यूज होती है फार्मिंग के लिए, वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे चलाने को मिलेगी। और आप लोगों ने अपना एक पूरा का पूरा फार्म मैनेज करना है, उसकी फसल काटनी है, लगानी है और चीजों का ध्यान रखना है, अपने क्रॉप्स को बचाना है जानवरों से, और बारिश आने पर आप लोगों ने उसकी देखभाल करनी है और बहुत कुछ करना है। तो काफी मेहनत आप लोगों को इस गेम में लगानी पड़ेगी। तो गेम का साइज होने पर है 433 MB और ये गेम भी होने वाला है यार पेड। लेकिन टेंशन किस बात की है, टेंशन नहीं लेनी जब आप इस चैनल पे आए हो, तो लिंक आप लोगों को फ्री वाले डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, नंबर 5 में निकल के आता है हमारे पास मर्डरनर। तो भैया, ये गेम तो बहुत ही ज्यादा फार होने वाला है क्योंकि
ये गेम पहले ही पीसी और कंसोल पे रिलीज हो चुका है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना अच्छा और कितना फाड़ गेम ये होने वाला है। यानी कि कंसोल क्वालिटी गेम आप लोगों को मिलने वाला है अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, तो बहुत ही एक बढ़िया चीज है ये। तो इस गेम में आपको काफी ज्यादा खूनखार रास्तों से गुजरना पड़ेगा यार, यानी कि कीचड़ में भी आप लोगों को गाड़ी चलानी है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पानी में भी अपनी गाड़ी चलानी है, और बहुत पहाड़ी इलाकों में भी अपनी गाड़ी चलानी है, और आप लोगों को बहुत सारे छोटे बड़े चैलेंजेस गेम में देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोगों ने करने हैं, यानी कि सामान एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाना है। बाकी इस गेम में आप लोगों को एक्सपीरियंस एक अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको लोगों को डिफरेंट टाइप की हैवी गाड़ियां मिलने वाली हैं, और आप लोगों को बनना है उसका हैवी ड्राइवर, तो वो भी चीज बहुत सही होने वाली है। और अगर आप लोग चैलेंजेस नहीं करना चाहते तो इस गेम में एक बहुत अच्छा और बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया है, तो उसमें आप फ्री रोम कर सकते हो अपनी किसी भी फेवरेट गाड़ी के साथ। गेम का साइज होने वाला है 480 MB और गेम टोटली ऑफलाइन होने वाला है। दूसरा नंबर 6 पे हमारे पास निकल के आता है हाउस फ्लिपर। अब दोस्तों हाउस फ्लिपर एक ऐसा गेम है जिसमें आप लोगों ने एक घर सबसे पहले खरीदना है, उसके बाद उस घर की रेनोवेशन करनी है, यानी कि आप लोगों ने बेकार फालतू सामान उस घर से बाहर निकालना है, वो जहाँ से तोड़फोड़ हुई है घर की वहाँ से उसकी मुरम्मत करनी है और उसको सही करना है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लगानी है, पुरानी चीज़ें फेंकनी है, नई चीज़ें खरीदनी है, और जो आप लोगों को चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है या फालतू लग रही है आप उसको बेच सकते हो और उसके बदले में कोई और चीज़ खरीद सकते हो। तो आप लोग एक टाइप से कह सकते हो कि रियल एस्टेट टाइप का कुछ गेम है, यानी कि आप लोगों ने एक घर खरीदना है फिर उसको रेनोवेट वगैरह करना है, उसको साफ सुथरा डेकोरेट करके अच्छा प्रॉफिट निकाल के उस घर को बेच देना है। गेम का साइज होने वाला है 115 MB और गेम टोटली ऑफलाइन होने वाला है यार। दोस्तों नंबर 7 पे हमारे पास निकल के आता है बस सिमुलेटर अल्टीमेट। अब दोस्तों बस सिमुलेटर अल्टीमेट भी एक अच्छा गेम है और काफी ज्यादा डाउनलोड भी इस गेम को मिली हुई है। अब होना क्या है, इस गेम में आप लोगों ने बस ड्राइवर बनना है और बस की सिमुलेशन करनी है, यानी कि बस चलानी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कहने में लग रहा है। यानी कि बस में भी बहुत ज्यादा तगड़े कंट्रोल होते हैं, यानी कि दरवाजे आप लोगों ने खोलने हैं, बंद करने हैं, लगेज पैसेंजर का संभालना है, पैसेंजर को एक जगह बिठाना है दूसरी जगह जाकर उतारना है, ट्रैफिक रूल्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है इंडिकेटर वगैरह चला के, तो आप लोगों ने इनॉय नहीं होने देना अपने पैसेंजर को, यानी कि आप लोगों ने झटके नहीं मारने और बहुत ही तमीज से और अच्छे तरीके से बस चला के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचानी है। और ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किए गए हैं, तो काफी ज्यादा एक अच्छी फील भी आ जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों को बस की सिमुलेशन तो मिल ही जाती है। गेम का साइज होने वाला है यहाँ पे पूरा का पूरा 500 MB और गेम टोटली ऑनलाइन है। दोस्तों नंबर 8 पे हमारे पास निकल के आता है फार्मिंग सिमुलेटर 20। अब दोस्तों ये गेम सीरीज इतनी अच्छी है, अगर मैं इस गेम को इस वीडियो में ना लेता तो इस गेम के साथ जाती होती यार। यानी कि फार्मिंग सिमुलेटर एक काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग सीरीज है जो कि फार्मिंग के हिसाब से आप लोगों को एक सिमुलेटर प्रोवाइड करती है, तो इस गेम में काफी ज्यादा आप लोगों को कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग एक फार्मिंग फ्रीक हो तो ये गेम आपके लिए बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा तगड़े अच्छे वाले ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ इस गेम में आप लोगों को मिलने वाला है रियलिस्टिक गेम प्ले। रियलिस्टिक गेम प्ले का मतलब ये है कि आप लोगों ने सिर्फ अपनी फसल ही नहीं उगानी है, उसका ध्यान रखना, आप लोगों ने अपनी फसल भी उगानी है, साथ ही साथ उसको काटना भी है, लगाना भी है, एनिमल पालने हैं, यानी कि आप लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म भी टाइप का कुछ खोलना है, जैसे उसमें होंगी शीप्स होंगी, हॉर्स होंगी और बैल वगैरह होंगे जो कि फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, और चिकन भी होंगी काफी सारी, और उनकी भी देखभाल करनी है। और साथ ही साथ इस गेम में एक और चीज ये है कि आप लोग सिर्फ एक फार्मिंग सिमुलेटर नहीं खेल रहे, आप फार्मर की पूरी लाइफ जी रहे हो, यानी कि आप लोग इसमें हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, फ्री रोम भी कर सकते हो, तो काफी ज्यादा ये एक अच्छी चीज है। और एक बहुत ज्यादा सही चीज और तगड़ी चीज जो इस गेम में है वो है इसकी व्हीकल, यानी कि आप लोगों को 100 से भी ज्यादा व्हीकल देखने को मिलेंगी, और 100 से भी ज्यादा टाइप के टूल्स आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे इस गेम में। गेम का साइज है 505 MB और गेम टोटली ऑफलाइन है। तो दोस्तों हम निकल के आ गए अपना नंबर 9 गेम ले, लेकिन उस गेम पे जाने से पहले आप लोगों को यही याद कराना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी करो ना यार, कोई बात नहीं, अभी भी टेंशन वाली कोई बात नहीं, जल्दी से कर दो लाइक और घंटी के आइकन को दबा के सब्सक्राइब के साथ हले को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों नंबर 9 पे हमारे पास निकल के आता है एक्स प्लेन फ्लाइट सिमुलेटर। अब भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स वाला बिल्कुल ही एक AAA क्वालिटी यानी कंसोल क्वालिटी का गेम है, यानी कि इसमें आप लोगों को हाई एज डिटेलिंग मिलने वाली है, यानी कि फुल एक प्लेन उड़ाने का आप लोगों को एक्सपीरियंस इसमें मिल जाएगा, काफी ज्यादा रियलिस्टिक कंट्रोल है, सिर्फ ये नहीं कि आप लोग प्लेन के अंदर हो और वो पैनल सामने लगा हुआ है और वो हिल नहीं रहा, हर चीज जो आप लोगों को इस प्लेन में नजर आएगी
आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप लोगों ने स्पीड को मेंटेन करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है, प्लेन के व्हील खोलने हैं, बंद करने हैं, रनवे से उसको टेक ऑफ करना है। उसके बाद हजारों कंट्रोल्स हैं जिसको आप लोगों ने सेट करना है, तभी आप प्लेन उड़ा पाओगे। आप लोगों को बहुत ढेर सारे कंट्रोल समझने होंगे ताकि आप लोग इस गेम में प्लेन उड़ा सको, वरना प्लेन उड़ेगा ही नहीं, या उड़ेगा तो क्रैश कर जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज होने वाली है। गेम का साइज है 720 MB और गेम टोटली ऑनलाइन है। तो दोस्तों नंबर लास्ट में हमारे पास निकल के आता है, यानी 10th नंबर का गेम यूट्यूबर्स लाइफ। दोस्तों फाइनली ये गेम आ गया जिसमें आप लोग देख सकते हो कि हम यूट्यूबर्स आखिर जिंदगी कैसे गुजारते हैं, यानी हमारी जिंदगी में क्या होता है, वो पूरा का पूरा तो इस गेम में नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें होती है जो कि हर यूट्यूबर करता है, तो वो आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों ने सारे अपनी जिंदगी के रियल लाइफ वाले काम भी साथ साथ करने हैं, यानी कि आप लोगों ने खाना पीना भी है, स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, अपने घर वालों के साथ टाइम भी बिताना है, और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करना है, और उस पर गेम्स प्ले डालनी है, गेम जाके खरीदोगे, चीजें खरीदोगे, उसके बाद आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, वीडियो एडिट करोगे, उसके बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड करोगे, उसके बाद देखोगे कि आपके कितने व्यू सब्सक्राइबर आए हैं। तो बहुत सारा कुछ मजा होने वाला है, वो खेल के काफी ज्यादा सही वाला एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है। गेम का साइज है 515 MB और गेम टोटली ऑफलाइन है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी गेम्स और ये थी आज की वीडियो, लेकिन रुक जाओ अभी बोनस गेम्स पड़ी हुई है हमारे पास। तो आज की बोनस गेम्स में हमारे पास है सबसे पहले पेट्रोल हेड ट्रैफिक। दोस्तों इस गेम में आप लोग फ्री रोम करोगे, रेसिंग करोगे, एक कार सिमुलेशन ये गेम है। आप लोग मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। गेम का साइज है 540 MB और गेम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में खेला जा सकता है। नंबर सेकंड पे हमारे पास निकल के आता है द सिम्स। अब ये एक रियल लाइफ सिमुलेटर है जिसमें आप लोग को एक रियल पर्सन की तरह जिंदगी गुजारनी है। आप लोग अपनी फैमिली बनाओगे, घर बनाओगे, घर की सेटिंग वगैरह करोगे, कार चलाओगे, सब कुछ करोगे आप लोग इस गेम में। नंबर थर्ड पे हमारे पास डोंकी लाइफ सिम। अब दोस्तों गेम के नाम से ही आप समझ गए होगे कि इस गेम में क्या होने वाला है, यानी कि आप लोग एक डोंकी हो, नहीं एक्चुअली नहीं, लेकिन गेम में उसकी लाइफ जी रहे हो। आप लोग को खाना खिला रहे हो, चारा डाल रहे हो, फिर मेहनत मजदूरी अपनी कर रहे हो और जिंदगी जी रहे हो। गेम का साइज है 52 MB और गेम ऑनलाइन है। नंबर फोर्थ पे हमारे पास निकल के आता है स्ट्रीमर्स लाइफ सिम। अब इस गेम में आप लोग एक स्ट्रीमर हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यूट्यूबर लाइफ, वैसे ये गेम सिमिलर तकरीबन है। इसमें आप लोग एक स्ट्रीमर हो, उसने ट्रैश से एक पूरा का पूरा स्टूडियो बनाना है अपनी स्ट्रीमिंग के लिए, तो वो सारी लाइफ आप उसकी देखोगे कि क्या हो रहा है। और लास्ट में हमारे पास निकल के आता है रियल कार पार्किंग 2, जिसमें आप लोगों को कार पार्किंग करनी है, और इस गेम में ग्राफिक्स तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल के हैं। इस गेम का साइज है 195 MB और यहाँ पे हमारे पास बोनस गेम भी खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी की सारी गेम्स पसंद आई होगी। अगर आपको सारी गेम्स पसंद आई है या बीच में से कोई एक गेम पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और जाने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ याद करा दूँ, यानी मेरे दूसरे चैनल यानी असैसिन ब्रो को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस मेरा नाम है रबील, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार गेम्स और कुछ और शानदार बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।